हर रोज काम में आने वाले बहुत ही जरूरी टिप्स, इन टिप्स को थोड़ा समय निकाल कर जरूर सुनिए। छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम अक्सर हो जाता है, उन्हें कफ की समस्या अगर होती है तो आप तुलसी और अदरक के रस को मिला करके थोड़ा गर्म करके अगर शहद के साथ आप उन्हें चटाते हैं तो बच्चों की सर्दी खांसी बहुत जल्दी ठीक होती है। अगर आपकी हड्डियों में कटकट की आवाज आती है तो इसके लिए आप मेथी दाने का पानी पिया करें, दूध का सेवन करें, गुड़ और मूंगफली को खाएं। ऐसा करने से आपकी जो हड्डियों में कटकट की आवाज आती है वह आना बंद हो जाती है। इस ट्रिक को आप महिलाएं करके जरूर देखें, आपको बहुत ही आराम मिलेगा। ये बहुत छोटे छोटे टिप्स होते हैं लेकिन बहुत ही काम के होते हैं। इन टिप्स को आप जरूर देखिए और फॉलो करिए। जिन्हें अक्सर कब्ज की शिकायत रहती है उन्हें पपीता खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे हमारा कब्ज की शिकायत दूर होती है और मोशन भी खुलकर होता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है तो इसके लिए आप खाने में सेंधा नमक या काले नमक का इस्तेमाल करें, इससे बीपी की शिकायत नहीं होगी। अचानक से अगर आपका बीपी लो हो जाता है तो उसके लिए आप चुकंदर का रस पीएं या 1 कप कॉफी पी सकते हैं। रात में सोने से पहले अपने दांतों को आप अगर सरसों का तेल और थोड़ा नमक मिलाकर अगर मसाज करके सोते हैं तो आपको दांतों से जुड़ी हुई समस्याएं कभी नहीं होंगी, दांत भी मजबूत रहेंगे। टीवी या मोबाइल देखते समय बच्चों को खाना खाने से बचना चाहिए। आलू उबालते समय आलू में अगर एक चुटकी हल्दी डाल दी जाए तो इससे आलू बहुत ही जल्दी उबल जाते हैं। नमक के साथ दूध और सभी प्रकार की खटाई वाली चीजें हमें कभी नहीं खाना चाहिए, इससे हमें शरीर को बहुत नुकसान होता है। रोजाना एक्सरसाइज आप जरूर करिए, इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, साथ में आप बीमारियों से भी दूर रहेंगे। सूजी का हलवा बनाते समय जब हम सूजी को भूनते हैं तो उसमें अगर भूनते समय थोड़ा सा दूध मिला दिया जाए तो हलवे का स्वाद बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो जाता है। अगर आप पेपर डोसा बना रहे हैं तो उसमें अगर आप थोड़ा सा मक्के का आटा डाल देते हैं तो उससे आपका डोसा बहुत ही करारा बनता है। पनीर या चीज को कद्दूकस करते समय अगर उसमें तेल लगा लें थोड़ा सा तो हमारा कसते समय वह बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। भटूरे बनाते समय मैदे में थोड़ी सी सूजी मिला ली जाए तो भटूरे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। नूडल्स बनाते समय अगर 1 चम्मच उसमें हम घी या तेल डाल दें तो नूडल्स चिपकते नहीं हैं। फ्रिज में से अगर बदबू आ रही है तो आधा नींबू काट कर फ्रिज में रख दीजिए, आपकी बदबू गायब हो जाएगी। नींबू अगर फ्रिज में अगर आप रख देते हैं तो नींबू काले अगर पड़ जाते हैं तो इस परेशानी से बचने के लिए आप नींबू पर थोड़ा सा नारियल का तेल लगा कर रख दीजिए। ऐसा करने से नींबू जल्दी खराब नहीं होते। अगर आप परवल की सब्जी बना रहे हैं तो अदरक लहसुन पेस्ट की जगह कटा हुआ अगर आप अदरक लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। दाल अगर पतली हो गई है तो उसे आप गाढ़ी करने के लिए इसमें थोड़ा सा बेसन डालकर उबाल लें, ऐसा करने से दाल गाढ़ी हो जाएगी। अगर आप प्याज लहसुन की अगर स्मेल बर्तन में रह जाती है तो उसमें आप थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर में नींबू मिलाकर अगर आप साफ करते हैं तो बर्तनों में खाने की स्मेल नहीं आती है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी सामान्य जानकारी पर आधारित है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर एक डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है।